हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो ओप्पो ने कुछ वीक्स पहले अपने लेटेस्ट रेनो सीरीज रेनो 7 5G और रेनो 7 प्रो 5G को इंडिया में लॉन्च किया था। हालांकि चाइना में रेनो 7 सीरीज की 3 फोन लॉन्च किया गया था पिछले साल नवंबर में, और ओप्पो अब रेनो 7 सीरीज में एक और फोन को लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसका नाम है ओप्पो रेनो 7G, जो कि एक मिड रेंज सेगमेंट स्मार्टफोन होगी। तो ओप्पो रेनो 7G को सबसे पहले गीकबेंच की वेबसाइट में देखा गया था, जिसकी कुछ बहुत इन्फॉर्मेशन रिवील हो गई थी, जैसे प्रोसेसर, रैम, ऑपरेटिंग सिस्टम और भी सारे इन्फॉर्मेशन। और अब फोन के ऑफिशियल डिजाइन और रेंडर्स लीक हो गया है। ओप्पो रेनो 7 की लीक्स फोटो ट्विटर के जरिए शेयर किया गया है, तो आप देख सकते हो ये फोन दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल होगी और आईफोन 12 और iPhone 13 की तरह फ्लैट फ्रेम होगी। और इमेज में देख सकते हैं ये फोन 3 कलर, ब्लैक, सॉफ्ट गोल्ड और ग्रेडियंट कलर में आने वाली है, अपने बड़े भाई Oppo Reno 7 Pro की तरह। डिजाइन और डिस्प्ले की बात करें तो इमेज देखकर पता चल रहा है कि लेफ्ट साइड की तरफ सिम ट्रे और वॉल्यूम रोकर्स दिया गया है, और राइट साइड की तरफ पावर बटन देखने को मिलेगा, और पीछे के साइड ट्रिपल कैमरा सेटअप भी मिलेगा, और डिस्प्ले की तरफ साइड पंचोल कैमरा विद राउंड कॉर्नर और स्लिम बेजल होने वाला है। और ओप्पो रेनो 7G में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 6.43 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसमें 90Hz की रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा और 20:9 की एक्सपेक्ट रेशियो के साथ आने वाली है। कैमरा की बात करें तो ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें 64MP की मेन कैमरा होगी और 8MP की अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलेगी और 2MP की कैमरा मिलेगी, और सामने की तरफ 32MP की सेल्फी कैमरा मिलेगी। प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 840 प्लस के प्रोसेसर से पावर्ड किया जाएगा, जो कि 8GB रैम अप टू 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ इक्विप्ड होगी। और इस फोन में एंड्रॉइड 12 ऑन टॉप कलर OS की स्किन देखने को मिलेगा, और बैटरी की कैपेसिटी देखा जाए तो 4500mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि 33W तक की टाइप सी की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी। और अदर फीचर्स में फिंगरप्रिंट सेंसर में भी साइड माउंटेड दिया जाएगा या फिर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा। और प्राइस और लॉन्च डेट की बात करें तो रेनो 7 पहले चाइना में लॉन्च किया जाएगा, फिर इंडिया में भी लॉन्च किया जाएगा, पर अभी तक कंफर्म डेट नहीं आया है। और प्राइस रेंज 20,000 के अंदर देखने को मिलेगा। क्या लगता है आपको, क्या ये फोन इस प्राइस रेंज में Xiaomi, Vivo, Samsung को टक्कर दे पाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस गाइस, फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, अभी के लिए गुड बाय।